आदाब नाजरीन, मैं शेख लुकमान, आप देख रहे हैं ST9 न्यूज़। आइए डालते हैं ST9 की एक खास खबर पर एक नज़र। आज बतारीख 26 जून बरोज़ चहारशंबे के रोज़ कांग्रेस के सीनियर कायद इज़्ज़त मआब मिनिस्टर पूनम प्रभाकर, मोहतरमा कुंडा सुरेखा और उस्मान अल हाजरी ने गोलकुंडा में होने वाले बोनाल फेस्टिवल के मुतालिक तफसीली मुआयना किया और तमाम तैयारियों का जायज़ा लिया, क्योंकि 7 जुलाई से शुरू हो रहे बोनाल फेस्टिवल हिंदू मज़ाहब के मानने वालों के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इस फेस्टिवल के मौके पर दूर दराज से अकीदतमंद आकर गोलकुंडा में फेस्टिवल मनाते हैं। उन्हीं तैयारियों का आज जायज़ा लिया गया और किसी नाखुशगवार वाक़या ना हो इसके भी मुकम्मल तैयारियां की जा रही है। इस मौके पर कांग्रेस के दिगर कायदीन भी मौजूद थे। उस्मान अल हाजरी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई, सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनने के बाद पहली मर्तबा बोनाल फेस्टिवल यहां पर गोलकुंडा में, जो पूरे प्रदेश में सबसे पहला बोनाल होता है यहां पे, और आज हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स जनाब पूनम प्रभाकर साहब और मोहतरमा कुंडे सुरेखा साहिबा और तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग आए थे कि किस तरह से अरेंजमेंट करेंगे। 7 तारीख से ही शुरू होने वाला है और तमाम हिंदू मुस्लिम लोग यहाँ के मिलकर पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा तमाम डिपार्टमेंट्स इस प्रोसेशन को, इसको जो फेस्टिवल होने जा रहा है उसको किस तरह से सब मिलकर कामयाब करना, एक दूसरे का ताउन करना, इसके लिए आज मीटिंग हुई, भेंट हुई और सब लोगों ने इत्तेफाक राय के साथ ये तय किया है कि पीसफुल तरीके से साबिका में जिस तरह से होता आया है और मजीद हमारी गवर्नमेंट आने के बाद और इसको किस तरह से लोगों को, जो आने वाले यहाँ पर डिवोटीज है, जो श्रद्धालु है, उन लोगों को किस तरह से सहूलत पहुँचाना, हम सब मिलके पूनम प्रभाकर साहब, कुंडा सुरेखा साहिबा और पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम लोग, हर डिपार्टमेंट का यहाँ पर लोग थे, फायर एंड सेफ्टी हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, GHMC, सब लोगों ने ये किस तरह से इसको कामयाब करना, सबने अपना मशवरा पेश किया और ये सख्ती के साथ हमारे मिनिस्टर्स ने वार्निंग दी कि अगर 4 तारीख से पहले अगर कोई भी मसाइल यहाँ के हल नहीं होंगे तो वो उन डिपार्टमेंट्स को जो इसमें मुलविस रहेंगे, नाकिस कारकर्दगी रहेंगे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे इस हैदराबाद में सबसे पहला जो फेस्टिवल होने जा रहा है उसको सब मिलके, हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर्स भाई हैं हमारे पास, हमारे जनाब अब्दुल समद खान साहब है, शंकर भाई है, पिरका राजू साहब है, हमारे मोहतरमा शोभा पांडे साहबा है, अरुण भाई है, हमारे यूथ कांग्रेस के साथियाँ हैं, डिवीज़न प्रेसिडेंट्स है हमारा लक्ष्मण और तमाम लोग यहाँ के डिवीज़न प्रेसिडेंट इरफान कादरी, सब लोगों ने ये तय खून दिया है कि यूथ कांग्रेस के संतोष और तमाम लोग ये वादा किए हैं कि सब मिलकर वॉलंटरी हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको कामयाब करने की कोशिश करेंगे। मैं भी गुजारिश कर रहा हूँ कि हम सब मिलकर इस 7 तारीख को आने वाला ये प्रोग्राम को करने के लिए, कामयाब करने के लिए काम करेंगे। मैंने मशवरा दिया है डिपार्टमेंट्स को और तमाम हमारे मिनिस्टर्स को कि जो बूढ़े औरतें आती हैं, बूढ़े आदमी आते हैं, हैंडीकैप्स आते हैं, बच्चे आते हैं, उनके लिए व्हीकल्स का प्रोग्राम चल नहीं सकते, लिहाजा उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हमने उनको ये भी मशवरा दिया और पानी का बंदोबस्त बराबर रहना चाहिए। तो उन्होंने सबने वादा किया कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आने वालों को सहूलियत देंगे। हम भी यही हमारा जो तयकुन हमको दिया गया है, हम भी सबसे ये ख्वाहिश करते हैं कि प्रोग्राम को कामयाबी के साथ अंजाम दें। थैंक यू।